गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगली ट्रिक पढ़ेंगे। इस ट्रिक में क्या किस टाइप के क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को ना पहले 45 मिनट में तय करती है। अगर गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो उसे वही स्पीड पूरी करने में 48 मिनट का समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है कि क्या स्पीड होगी। देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें पहले वाला टाइम गिवन है 45 मिनट और अगला टाइम गिवन है 48 मिनट। तो हमें यहाँ पे दोनों की टाइम रेशियो गिवन है कि पहले अगर उसे 45 मिनट लगते थे तो अब उसको 48 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम रेशियो अगर हमारी 45 और 48 है तो यहां से स्पीड की रेशियो क्या होगी? स्पीड की रेशियो रिवर्स हो जाएगी 48 और 45, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, इसीलिए स्पीड की रेशियो होगी 48 45। अगर मैं यहां पे 3 से काटूं तो स्पीड की रेशियो आ गई 16 15। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले रेलगाड़ी की स्पीड अगर 16 थी तो आज उसकी स्पीड 15 है। तो यहां पे अगर हम देखें तो रेलगाड़ी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आर कम हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आर कम हुई है, यानी 5 गुना। तो पहले वाली स्पीड क्या हो जाएगी, 5 गुना कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी 16 गुना में 5, यानी 80 किलोमीटर पर आर। तो ये हमारा आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करा, हमने देखा कि टाइम की रेशियो में यहाँ पे पहले गिवन है 45 मिनट, फिर 48 मिनट। तो टाइम की रेशियो के रिवर्स स्पीड की रेशियो होगी 48 45, स्पीड की रेशियो 16 15 आ गई। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई, लेकिन क्वेश्चन में 5 कम है तो 5 गुना करेंगे तो पहले वाली स्पीड आ गई 16 पंजे 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगर हमें यहाँ पे देखें कि एक रेलगाड़ी जो है वो पहले कवर करती थी 42 मिनट्स में, अगर यहाँ 42 मिनट आ रहे, और अगर उसकी स्पीड जो है हम कम कर दें 10 किलोमीटर पर आर तो उसे 48 मिनट लगते हैं। अब हमें बताने की अब हमारी स्पीड की रेशियो क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या आएगा कि टाइम की रेशियो अब क्या हो जाएगी, टाइम की रेशियो 42 48, स्पीड की रेशियो 48 42, रिवर्स हो गई, 6 पे काटेंगे 8 और 7, स्पीड की रेशियो आ गई 8 से 7 का मतलब स्पीड 1 कम हो गई, लेकिन क्वेश्चन में 10 कम है तो 10 गुना करेंगे तो पहले वाली स्पीड आ जाएगी 8 गुना में 10, यानी 80 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो बस यहां पे चेंज यही था कि अगर हमारा टाइम पहले 42 था, बाद में हो गया 48, तो 42 48, स्पीड 48 42, 8 7 की रेशियो है, यहाँ पे 1 कम हुई है, स्पीड क्वेश्चन में 10 कम है तो 10 गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आर। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, मतलब थोड़ा सा ही फर्क है उसमें। उसमें क्या कह रहा है, मैं उसको आपको एक बार इसी में ही स्टेटमेंट के बिना विदाउट स्टेटमेंट के जरिए आपको बता देता हूं। उसमें क्वेश्चन में अगर ये होता कि ए और बी की स्पीड, ए की स्पीड हमें दे रखी है 12 किलोमीटर पर आर, बी की स्पीड हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आर। ए और बी दोनों की स्पीड दे दी और वो कह रहे हैं कि वो एक पॉइंट पी से क्यू की तरफ चलना आरंभ हुए, और जो बी है वो 39 मिनट के बाद चला लेकिन ए से 21 मिनट पहले पहुंच गया। देखो क्वेश्चन ये है कि पी और क्यू ये दो हमें डिस्टेंस दे रखे हैं, अब ए और बी दोनों ही यहां से चलना स्टार्ट हुए, लेकिन जो यहां पे अगर हम बात करें बी की, बी 39 मिनट के बाद चलना स्टार्ट हुआ है। अब बी अगर 39 मिनट के बाद जा रहा है और फिर भी वो ए के ए से यहां पे 21 मिनट पहले पहुंच जाता है क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, तो हमें यहां पे बताना है कि पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है। देखिए अगर हम बात करें बी 39 मिनट के बाद चला, ई 21 मिनट पहले चला, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस आएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा, यानी बी ए से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर हम स्पीड रेशियो की बात करें तो ए और बी की स्पीड क्या है, 12 18, ये तो ए और बी की स्पीड रेशियो है ना, तो टाइम की रेशियो यहां पे क्या आ जाएगी, 18 12, कट करेंगे 3 2 आ गई,
यहां पे देखेंगे बी ए से एक घंटे पहले ही जा रहा है और हमारे अकॉर्डिंग भी एक घंटा पहले ही है, इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम ए का तो आ गया 3 घंटे और बी का टाइम आ गया 2 घंटे। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ए की स्पीड है 12, टाइम है 3, तो ये आ गया 36 किलोमीटर। आप बी से भी निकाल सकते थे कि 18 गुणा में 2 यानी 36 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद अगली ट्रिक अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।